मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज द इवल ऑफ लव ऑफ सेल्फ। मैम ये जो वर्ड है ना इवल ऑफ लव ऑफ सेल्फ, इसकी समझ नहीं आ रही। बेटा, इवल ऑफ लव ऑफ सेल्फ बेसिकली यही है कि हम अपनी जात से एक्चुअली मोहब्बत करते हैं। हर बंदा सेल्फिश था, ठीक है, हर बंदा चाह रहा था कि मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाए बस, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली एन जी इवल, कि हाँ हम अपनी जिंदगी आप जीते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, हमें नहीं फर्क पड़ता कि लविनिया को नहीं फर्क पड़ता था कि उसकी उसकी फैमिली डैमेज हो जाएगी अगर वो ये हरकत करेगी तो, ठीक है। तो ये है बेसिकली इवल जो इसके अंदर दिखाया गया। जी और बस मैम, इसका मतलब ये हुआ ना कि अपने खुद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जो इवल है वो भी अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, नहीं, इवल ऑफ सेल्फ आप कह रहे हो ना, इवल ऑफ सेल्फ डिजायर, इस तरह का आपने कोई जी क्वेश्चन, मैम, इवल ऑफ सेल्फ डिजायर। बेटा सेल्फ डिजायर, इवल ऑफ लव ऑफ सेल्फ। हाँ, लव ऑफ सेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करते थे बेटा। लव ऑफ सेल्फ का मतलब है अपने आप से मोहब्बत करते थे। अपने आप से मोहब्बत करने वाला कौन होता है? जिसके लिए उसकी सोचें, उसकी हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके इर्द गिर्द के लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते। एक्सट्रीम लव इज इवल, यस एग्जैक्टली, ठीक है। जब मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाए वो भी इवल है, एग्जैक्टली, ठीक। तो तो ये मैम इसमें इवल कैसे होगा? मैम इसमें इवल कैसे होगा? बेटा, हर इंसान जो है ना वो हद से ज्यादा चाहता था कि भाई मेरे डिजायर्स पूरे हो जाए। देखिए, एक्सट्रीम लव कहाँ पे, इवल ऑफ लव कहाँ पे है, सेल्फ लव। जो क्रिस्टाइन होती है वो अपने हस्बैंड को ही जो है जहर दे देती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम लव है जी ना, मैम, इवल ऑफ लव है कि वो इस हद तक एटम के पीछे मतलब पागल हो गई उसकी मोहब्बत में, कि उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरा शौहर है, ठीक। तो और फाइनली वो अब उसको पॉइजन दे देती है कि भाई ये मर ही जाए तो उसको एटम इस तरीके से मिलेगा। तो हर इंसान अपने डिजायर्स के पीछे भाग रहा है, हर इंसान जो है अपने लव और लस्ट के पीछे भाग रहा है। तो यही है बेटा, इसमें सारी जो थीम ही ऐसे, इसी तरह क्रिस्टाइन को देख लें, ऑरिन भी ये चाहता है कि लेविनिया की किसी और मर्द से शादी ना हो, ठीक है। हर बंदा ये चाह रहा होता है कि भाई ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए और मुझे मिल जाए। तो एक्चुअली ये लव एंड लस्ट की कहानी है, ठीक है, इवल ऑफ लव इसके अंदर है। जी और मैम, बस अच्छा जी, देखिए बेटा, मेन जो क्वेश्चंस है ना वो आप नोट डाउन कर लें, इसके चार पांच ही थे। ऑल्दो आई नो कि बेटा इसमें लिटरेचर में ना हम जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें थोड़े ही पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो हैं जो कहते हैं कि भई हम 5 महीने में तैयारी करा देंगे आपको एम ए इंग्लिश लिटरेचर की, वो कौन से लोग होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, सबसे पहले बेटा आपने कैरेक्टर लिस्ट अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि एक पास्ट पेपर में मैंने एस्ट्रा मैनन का कैरेक्टर देखा था, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर के अंदर ना मैंने एक कैरेक्टर देखा था एडम ब्रैंड का, ठीक है। कैरेक्टर्स आपने जो है मेन वो सारी करने, फिर ओनील कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। ओनील का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी यानी कि एक तरफ जिंदगी होती है और एक तरफ इंसान के जो है वो पैशंस होते हैं, उनकी आगे जाने की तमन्ना होती है, लेकिन फेट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे नहीं जाने देती। तो उसका एक पैसिमिस्टिक एटीट्यूड देखा गया टूवर्ड्स लाइफ। उसके बाद अ ग्रेट ट्रेजिक प्ले, ठीक है, ग्रेट ट्रेजिक प्ले में ही डोमेस्टिक ट्रेजिडी आ जाएगी, उसमें ही ट्रेजिडी ऑफ जो है ये यहाँ पे देखें ना क्या क्या आता है, इसमें ही ये देखें ड्रामा ऑफ रिवेंज एंड पैशन आ जाएगा, इसी के अंदर ये साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ लस्ट आ जाएगा। मतलब ये वाउंडेड ईगोज, ये सारा जो है आपकी ट्रेजेडी के अंदर एज अ ट्रेजिक प्ले में वो जो है वो कवर कर जाता है। ऑन द अदर हैंड, फ्रूडियन और साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इसके अंदर भी देखें आपकी हमारी ये जो लस्ट होती है, हमारी ड्रीम्स होते हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं, ये किससे एक्चुअली बिलोंग करती है, कि आपके माइंड से बिलोंग करती है। और जहाँ पे आ जाए ना बात फ्यूडनिज्म की और साइको एनालिसिस की, वहाँ पे हम इसी को ही देखेंगे। वैसे तो आपके करंट नोट के अंदर जो है फ्यूडन थ्योरी जो है वो ज़्यादा दिखाया गया है कि जी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ईडिपल कॉम्प्लेक्स ही ज़्यादा दिखाया गया है इसके अंदर। तो उसके बाद आ जाता है आपका प्यूरिटनिज्म इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। प्यूरिटनिज्म क्या है? कट्टरपन है दीन का, रिलीजन का।
ठीक है, तो इसके अंदर भी हम एक तरह से लिख सकते हैं कि प्यूरिटनिज्म, जैसे अभी क्वेश्चन किया ना हमारा ने कि मैम वो किस तरह से एक ट्रेजेडी है ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिशनल। तो देखिए पर्सनल बेसिकली उनकी पर्सनल डिजायर थी, ट्रेडिशनल वहाँ का प्यूरिटन कल्चर था, दोनों का आपस में क्लैश हुआ। जब भी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी होता है ना, एक इंडिविजुअल होता है और उसका क्लैश हो जाता है टूवर्ड्स द सोसाइटी या सोसाइटी की सोच से, तो उसमें इंडिविजुअल का डाउनफॉल होता है, सोसाइटी का नहीं होता। ठीक, तो ये एक फार्मूला याद रखिएगा आप कैसे थे भी ड्रामास के अंदर हैं। ये और बात है कि जो लोग इनोवेटिव्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो उनके पीछे तो ज़माना भागता है, लेकिन आप जब ट्रेजिडीज जितनी भी पढ़ेंगे उसके अंदर जब भी कल्चर एंड सोसाइटी का एक जो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का क्लैश होगा, तो उसके मुकाबले में जो इंडिविजुअल होता है उसका डाउनफॉल होता है। तो ये जितनी भी आपके ड्रामा ऑफ लस्ट एंड लव है, फिर उसके बाद ईगोज है और पता नहीं क्या क्या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी जो है बॉन्डिंग बिकम्स इलेक्ट्रा एज अ प्योरिटन जो है इसके अंदर आ जाएगा। फिर आगे आ जाता है टेक्निक ऑफ मास्क या सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मास्क, इसके अंदर सारी वो जो हिपोक्रेसी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये बस आपने ये चार पांच सवाल करने हैं, उसके बाद आपने पॉइंट्स बनाने हैं और आपने सेल्फ राइट करना है इसको, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ड्रामा ऑफ ईगोज है या कुछ भी है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अपने पुराने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट शेयर कर सकती हूँ, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, सारी समझ आ जाएगी। मोटे मोटे क्वेश्चंस बेटा आपको पास्ट पेपर्स के थ्रू इसलिए कराए जाते हैं, कोई पॉइंट रह जाए तो पास्ट पेपर के थ्रू कवर हो जाता है, सही। और कोई क्वेश्चन? ये देखें जनाब, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एज अ ट्रेजेडी, यू जील ओनील ट्रेजिक विजन, कैरेक्टर स्केच ऑफ इलेक्ट्रा, सिंबलिज्म इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और मेजर थीम्स इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। ये लास्ट वन को छोड़ दीजिएगा और बाकी बेटा वो जो हमने रिवेंज ट्रेजेडी और पैशंस और ईगोज वो वाले भी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। बाद ये सीधी सी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछो तो मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, तो जब मैं उनको ये कहती हूँ कि एम ए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही नहीं है, क्योंकि आपको सारे पास्ट पेपर्स करने पड़ते हैं और पास्ट पेपर में कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तो वो बात अभी सदफ की ठीक थी, मैम हम कितने क्वेश्चन करें। तो मैं यही फिर बेटा उसका आखिरी हल यही है कि हम इतना ज़्यादा टाइम एक एक बुक को नहीं लगा सकते। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है ज़िंदगी में मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा को 2 हफ्ते लगा दिए, वैसे मैं 4-5 दिन में ये किताब ख़त्म करा देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा पे, सिर्फ इसलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बात सारी ये है कि बेटा हम जितना मर्जी पढ़ लें थोड़ा है, उसमें तरीका यही है कि मेन क्वेश्चंस करें, की पॉइंट्स बनाएं, उसके बाद जैसे हम पास्ट पेपर्स जब करते हैं उसकी डिस्कशन करें और उसके की पॉइंट्स बना लें, और बाद में एट द एंड हम सेल्फ राइटिंग करें, सिंपल, ठीक है, बस हमने यही करना होगा, ठीक है, तो हो जाएगा पेपर। अदरवाइज हम ऐसे बैठे रहेंगे, अगर हमने एक एक बुक पे 2-2 हफ्ते लगा दिए ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। अभी हमने एट द एंड आई थिंक आप लोगों का ड्रामा का टेक्स्ट भी रहता है, ठीक है, ड्रामा या पोइट्री हमने एट द एंड करनी है, तो एक टेक्स्ट बुक हमारी अभी रहती है, तो ऑब्वियसली फिर स्टूडेंट के लिए फिर टाइम कम रह जाता है। अगर हमें टेक्स्ट बुक्स हमारी रहती हों तो वो तो 3 मंथ्स का काम होता है टेक्स्ट बुक्स कवर करना, तकरीबन 2.5 से 3 महीने या 2 महीने भी लग जाते हैं। तो वो उस हिसाब से हमने ये वाली जो बुक्स होती है ना, जो बगैर टेक्स्ट की होती है, वो हमने 1-1 वीक के अंदर ख़त्म करनी होती है, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन आप बता रहे हैं, तो फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको टोटल 6 बुक्स कराई जाती हैं एम ए इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा से कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता था, तो आप द क्रूसिबल में से कर लें। तो क्रूसिबल अगर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा बुक है, लेकिन चक्कर सारा ये कि ऐसा कोई घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं बाज़ औक़ात कि स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा होता। लाइक बेटा आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे लिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं क्योंकि मैं तो हर साल पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट को, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, मुश्किल आप लोगों को लग रहा है, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के अंदर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरे जो आपको मुश्किल लग रहा हो और आपको वो अटेम्प्ट भी ना करना आ रहा हो। उससे बेहतर है मैं स्टूडेंट को एक और बुक करा दूँ और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँ और स्टूडेंट शो कर लें,
ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह द क्रूसिबल स्टार्ट करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? और सैटरडे को बेटा आप सारों का टेस्ट है, और किसी का कोई क्वेश्चन? कैसे गुजर रही है भैया आप लोगों की ताकत रहते हैं? एनकेएम की बुक्स के अंदर वो कभी आप लोगों ने पढ़ी, वो क्रिटिकल छोटे छोटे वो लिखे होते हैं बुक के अंदर ना, एनकेएम की बुक के अंदर क्रिटिकल छोटी छोटी उन्होंने क्रिटिकल लिखा होता है कि क्रिटिक्स ने क्या कहा है, मतलब उसके एनकेएम की बुक के अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैम, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली। वो कभी पढ़ा करें, उसके अंदर ये रिवेंज एंड ईगोस पैशंस और इसके बारे में कुछ लिटरेरी क्रिटिक ने ना बातें की होती है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं उसके अंदर से एक्चुअली की पॉइंट्स निकाला करती थी पास्ट पेपर्स के। ठीक है, उसको जरूर देखें आपके एंड चैप्टर। अच्छा, आज एक बुक आप लोगों को और मैं बताने जा रही हूँ, वो मार्केट से आप सारों ने बाय करनी है, कर लिया करें। एक तो अपनी नमाजों की सुन्नतें पूरी कर लिया, ठीक है, सुन्नत नमाज जो है उसको पूरा कर लिया करें, क्योंकि ये जो है ना फर्ज नमाज, ठीक है, जो हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं एक्चुअली उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये जो अव्वल वक्त में अदा की गई फर्ज नमाज है वो सारी रात की गई इबादत से ज्यादा प्यारी है। पहली बात ये कि फर्ज नमाज की पाबंदी करनी है। दूसरी चीज, ये जो 12 सुन्नतें हैं ना वो पूरी करनी है आपने, फजर की 2, उसके बाद जो है जोहर की 6, 4 सुन्नत शुरू की, फिर 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नत, उसके बाद असर की आपको पता सुन्नतें गैर मौकदा होती हैं, उसके बाद जो ईशा मगरिब है उसकी 2 सुन्नतें, और उसके बाद जो है ईशा की 2 सुन्नतें। ये 12 सुन्नतें बेटा पूरी करें आप, और क्योंकि डेली का जन्नत में एक महल बनता है क़यामत के रोज। जैसे हम दुनिया में होते हैं ना, हमें ये चीज़ मिली है, ये देखो ना मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा फर्नीचर, इसी तरीके से क़यामत के रोज भी हमें, जब हमारी वहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी ना, तो उस दिन हमें बड़ा जन्नत में जाके भी लोग अमीर होंगे ना, तो हमारे पास फिर इतने सारे घर होंगे वहां पे जाके, तो जन्नत में एक घर बनता है डेली बेसिस। तो वो 12 सुन्नतें आपने जरूर पूरी करनी है। इसी तरीके से जो रात की 4 सुन्नतें ना, ईशा की जो 4 सुन्नतें हैं वो जरूर पढ़ा करें, क्योंकि वो 4 सुन्नतें सारी रात की गई इबादत के बराबर है। ठीक है, इनकेस अगर आपको नहीं मिलता टाइम, मतलब ऑब्वियसली माएँ होती हैं, थक जाती हैं या कुछ भी है, तो हमने बेटा बड़ी बड़ी नेकी नहीं, हमने छोटी छोटी नेकी के लिए भी कोशिश करनी है, सिर्फ छोटी छोटी नेकियाँ। ठीक है, बाज बच्चियाँ हैं जो जॉब कर रही हैं, ऑब्वियसली उन्होंने रात को जल्दी सोना है, छोटी छोटी नेकियाँ करनी है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी नेकियाँ अल्लाह, आप छोटी छोटी नेकियों पर फोकस करें, अल्लाह ताला आपको खुद बड़ी नेकियों की तरफ ले जाएगा। आपकी वो जब छोटी छोटी नेकियाँ कबूल होने लग जाएगी, अल्लाह ताला आपको बड़ी नेकियाँ जो है वो उसकी तौफीक अता फरमाएगा। अभी देखिए, मैंने अभी ऑर्डर किया था ये डॉक्टर इशार अहमद का है ना बयानुल कुरान, वो ऑर्डर किया, तो माय हस्बैंड आस्क्ड मी, यार ये तुमने क्यों ऐसे ही ऑर्डर कर दिया, पहले इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं तुमने, इतने सारे कुरान इकट्ठे कर लिए। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम के देखें, जब मेरे अम्मी अबू हज करके आए थे ना, तो मैं उस वक्त 9th क्लास, तो हमारे घर में कोई तर्जुमा तफसीर नहीं पढ़ा हुआ था, सिर्फ एक तर्जुमे वाला कुरान अम्मी का पढ़ा हुआ था जो उनको शादी पे नाना अबू और नानी अम्मी ने गिफ्ट किया था, और मैं उसी में से ढूंढ ढूंढ के, वो इतना छोटा छोटा लिखा होता था, और मैं 4th क्लास से मेरी आदत थी, आई वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, 10 ईयर्स की होंगी, तो मैं ना वहां से तर्जुमा ढूंढ ढूंढ के और घुस घुस के उसके अंदर ढूंढती थी कि इसके अंदर क्या लिखा, मुझे इतनी अट्रैक्शन फील होती थी उस कुरान मजीद में। आफ्टर दैट हम ये मुझे हज पे गए, तो अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं मैम तर्जुमा तफसीर कौन सी पढ़े, तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कह रही होती हूँ कि बेटा तर्जुमा तफसीर वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है जो कि ये हाजियों को मिलती है ना, और वो है मौलाना सॉरी हजरत सलाहुद्दीन यूसुफी की लिखी हुई है। ठीक है, एंड दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वन। उसमें क्या है कि ऊपर तर्जुमा लिखा होता है, ठीक है, और नीचे जो है ना जो रेफरेंसेस होते हैं उसके अंदर जो है अहदीस रेलेवेंट अहदीस उसके हिसाब से लिखी होती हैं, और ऑब्वियसली बेटा कुरान हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें उनकी जो अहदीस है वो हम उसको जब तक स्टडी नहीं करते। ठीक है, जैसे नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है, लेकिन नमाज का तरीका क्या है ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पैटर्न जो है उसको रीड आउट करने से पता चलता है,
सेम इज द केस, जैसे शैतान ने कहा था कि मैं आगे से आऊंगा पीछे से आऊंगा दाएं से बाएं से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा था कि शैतान कैसे आएगा आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे अपने रिश्तेदार जो आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आएंगे इन द फॉर्म ऑफ द शयातीन। सेम इज द केस, फिर आगे जाके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जान माल और औलाद जो है आजमाइश, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कहीं ये तुम्हारी आजमाइश ना बन जाए। बेटा अल्लाह के हाँ ये कोई जो है एक बहाना नहीं है कि हम माए सारा दिन खाने पकाती रह गई थी, या मर्द के लिए ये नहीं है कि मैं सारा दिन जॉब ही करता रह गया था। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी जान माल और औलाद तुम्हारी आजमाइश है। बाज़ औक़ात हम नमाज पढ़ने जा रहे तो बच्चा रो पड़ता है, कोई और काम आ जाता है, ये सारी आजमाइशें मिलती, हमने अपने आप को खुद इस तरफ लेके आना। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी सारी रात बैठ के इबादतें शुरू करना है, लेकिन छोटी 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 चीजें करना शुरू करें, लाइक हमने 100 आयात या चले 50 आयात जो है एक पारा की वो पढ़नी है, चले 100 से ही, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, सिर्फ सूरह यासीन और सूरह रहमान सूरह मुल्क हमने रात को सोने से पहले पढ़नी है, सिर्फ इन ताक रातों में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है जिन लोगों को आदत होती है, लाइक मुझे तो आदत पड़ गई है कि मैंने ये जो है अपनी जिंदगी से इनको आदि बनाना है, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है, सुन्नत है, आप एक सुन्नत जो है वो पूरी कर रहे हैं, इसी तरीके से रात को सोने से पहले सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ के सोना है, क्या है उसके बारे में हदीस है कि इंसान जो है उसके तमाम तर काम अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले लेता है जो रात को सोने से पहले दो ये सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ के सोता है। और आपको पता है इन आयात की फजीलत क्या है, तमाम जो कुरान मजीद है वो जमीन पे नाजिल हुआ, ठीक है, वही जो है वो जमीन पे नाजिल हुई है, ये जो आखिरी 10 आयात है ना सूरतुल बकरा की, ये वाहिद वो आयात है जो आसमान पे नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट की, तो जरूर इन 10 आयात के अंदर कुछ होगा, आसमानी है ना, हेवनली है ना, तो जो चीज बेटा हेवनली होती है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ हेवनली होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगियां बदल जाती हैं। और अगर जिंदगी वाकई बदलनी है ना तो बेटा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो हेवनली अल्लाह है ना उसके साथ, जब हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो जाता है ना, तो फरिश्ते भी बेटा उन्हीं के लिए नाजिल होते हैं जिनका ताल्लुक फरिश्तों वालों से आसमान वाले से होता है, तो आसमान से फौज भी उन लोगों के लिए नाजिल होती है जिनका ताल्लुक आसमान वाले से होता है। काम हम दुनियावी कर रहे हैं, ताल्लुक हम दुनिया के लोगों के साथ बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कोई मौजा हो जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। जिंदगी अगर बदलनी है तो बेटा आसमान वाले से ताल्लुक कर, देखें कैसे जिंदगी बदलती है। और देखें मैं अभी उस दिन डॉक्टर इसार अहमद का लेक्चर सुन रही थी, उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि जो मोमिन है ना मोमिन वो पूरे का पूरा अल्लाह पे ईमान रखता है कि कुछ नहीं भी है तो उसको पता है मेरा अल्लाह है और वो जरूर कुछ करेगा, ठीक है, ये बात कि मुझे अपने पैसे पे ईमान है और मुझे ये लगता है कि पैसे के बल बोते पे मैं सारे काम कर लूंगा, तो ये तो फिर हमारा ईमान किसके ऊपर हो गया, पैसे के ऊपर, हमारी सारी रिलायंस फिर किस पे, पैसे के ऊपर है कि पैसा होगा तो मेरा ये काम होगा, हमें ये तो नहीं है कि अल्लाह होगा तो मेरा ये काम होगा, चाहे मेरे पास कोई एसेट ना हो, कुछ भी नहीं है लेकिन अल्लाह अगर मेरे साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। तो बेटा ये चीज हमने अपने अंदर लेके आनी कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मेरे सारे काम होंगे, बस ये होता है ईमान का लेवल। ये ईमान का लेवल नहीं है कि पैसा आने से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी, और अल्लाह के साथ ताल्लुक जब मजबूत हो जाता है तो बेटा बाकी रिश्तों के साथ ताल्लुक खुद ही अल्लाह बना देता है। लेकिन आप ये करके देखें, एक्चुअली हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं है, हमें जब कोई प्रॉब्लम आता है हम पहले इस्तखारा करवाने भाग जाते हैं किसी इंसान से, और वो हमारा बहुत ही करीबी होता है, बड़ा जाना पहचाना होता है और ये वो सारा कुछ, इस पर हम बड़ा रिलाई करते हैं, उसको जाके हम अपनी अपना नाम और अपनी माँ का नाम बता देते हैं। देखिये अल्लाह ताला ने क्या अहदीस से इस तरह की कोई इस्तखारा
की ऑथेंटिकेशन आपको कभी मिली क्या? ये तरीका है इस्तफारा करवाने का, और इसको इन जादूगरों ने नाम भी इस्तफारा कर दिया हुआ, ये जादू है, ठीक है, जिन्नात के थ्रू आप कुछ भी करवा रहे हैं, दैट इज द जादू। और उसमें क्या किया जाता है, वो जादू के थ्रू ही तो आपको बताते हैं आपके साथ ये हो रहा है। हाँ, एक और चीज, वो आपका पास्ट आपको बता सकते हैं, आपका फ्यूचर नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपके जो आपका पर्सनल जिन होता है उसके साथ वो जो है बात करके अपने जिन के साथ मुअक्किल के थ्रू ये सारा कुछ होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि हमने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे का नब के साथ ही तो ताल्लुक मजबूत करने आए थे, ये जो थर्ड पार्टी है इसी को तो पीछे करने आए थे, ये पीर फकीर धागे मिर्चें ये सारी चीजें तो खत्म करने आए थे, ठीक है, ये सारे वहम गुमान ही तो खत्म करने आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी तो 313 मुसलमानों ने, क्योंकि मैंने कहा ना आसमान वाले के साथ ताल्लुक मजबूत हो गया, तो तभी तो आसमानी फौज नाजिल हुई थी, तभी तो 313 मुसलमानों ने जंग बदर जीती थी। एक हम है कि हमारा सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पैसा कमाने के ऊपर है कि पैसा आएगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। पैसा आने से, डिग्री आने से जिंदगी नहीं बदलती, अल्लाह के जिंदगी में मिल जाने से जिंदगी बदलती है। जिस बंदे को रब मिल जाता है ना बेटा, उसके पास कुछ भी ना हो उसको, उसके पास सब कुछ होता है, और जिसके पास रब नहीं होता ना उसके पास सब कुछ हो फिर भी खाली होता है, दैट इज द डिफरेंस। सो ये रातें आई हुई हैं, इनमें आपको लर्निंग करें, देखें अपना एक थोड़ा सा दुनियावी काम थोड़े से काम कर लें, कुछ रातें रह गई हैं इनको अवेल करें, क्योंकि ये अब आखिरी आखिरी टाइम है हमारा पक्ष माने का, कोई बात नहीं, पीछे हमने नहीं इतनी रमजान मेहनत की, लेकिन ये जो 5-6 दिन रह गए इसके अंदर तो हम कर सकते हैं, अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक, और अल्लाह तो बड़ी जल्दी मान जाता है, अल्लाह तो बहुत ही जल्दी, ये तो पते हैं जल्दी मानते हैं, अल्लाह तो बहुत जल्दी मानते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी इब्तिदा मान में रखे, हम सबको हिदायत के रास्ते पे रखे, अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबका जो कब्र का जो एक हमारा मुहासबा होना है उसमें अल्लाह ताला वो हमारे लिए हम आसान कर दे, क़यामत के रोज जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे सबसे पहले तो अल्लाह से वो अर्श का साया मांगे ना, जो चंद एक लोगों के साथ वो भी होगा, अल्लाह करे कि वो अर्श का साया हमें भी मिले जब क्यामत के रोज इतनी गर्मी होगी और हम सब जो है अल्लाह के सामने जो है अपने नामा अमाल लेके खड़े होंगे और इतनी गर्मी तपिश होगी, तो कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर अर्श का साया होगा, अल्लाह ताला हमें उन चंद लोगों में से कर दे, फिर अल्लाह के सामने जब हाजिर हो अल्लाह करे कि अल्लाह हमसे कुछ ऐसे काम करवाने थे, जब सामने हाजिर हो तो एटलीस्ट कितने कशकोल में हमारे जो है वो नामा अमाल हो कि कुछ तो अल्लाह का मुंह दिखा सके, कुछ तो अल्लाह का मुंह दिखा सके, ये अल्लाह तेरे लिए जिंदगी में ये किया। कल मेरा बेटा मुझे कहता मामा ये हॉट बॉल लेके आया हूँ, अच्छा दोनों ने मिलके 170 रुपए की हॉट बॉल लेके आया था दोनों, और मुझे बड़ा फख्र से, उनकी बर्थडे है बच्चों की तो उन्होंने अपनी मर्जी से बैट्स जो है वो मेरे से निकलवाए और बैडमिंटन के जो बाहर लगाया हमने वो भी मेरे से, तो मैं अपने बेटे से पूछ रही थी छोटे वाले से, मैंने कहा ये तुमने जो हॉट बॉल के पैसे खर्च किए ये अल्लाह के हाथ भूल हो जाएंगे, तो आगे से हजरा था मामा ज्यादा नहीं खर्च किए, सिर्फ 100 रुपीज मैंने दिया, 70 रुपीज भाई ने दी, मैंने कहा वाह भाई तुम्हारे पास तो 100 रुपीज भी आ गए और तुमने उड़ाने में लगाए हुए हैं, तो मुझे ये बताओ ये 100 रुपीज अल्लाह के हाथ भूल हो जाएंगे। फिर रात को मैं बैठी हुई थी तो मैंने ना एक बेड टेबल खरीदा हुआ, तो रोज मगरिब के बाद मैं उस बेड टेबल के ऊपर जो है ना वो कुरान रखती हूँ, एक जो है वो तर्जमा तफसीर वाला, और मैं रोज अपनी बेटी को पढ़ा रही होती हूँ, जब मैं उसको पढ़ा के हट जाती हूँ, 30वां पारा आजकल मैं उसको पढ़ा रही हूँ माशाल्लाह सिविल यूनिवर्सिटी में, तो वो जब मैं उसको पढ़ा के हटती हूँ तो उसके बाद मैं दोनों बेटों को बिठा देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो अब मैं तर्जमा तफसीर पढ़ने लगी हूँ आराम से चुप करके, तो मैं कल अपने बच्चों को कह रही थी कि बेटा जब ये मैंने बेड टेबल खरीदा था मुझे लगा मैंने पैसे जाया किए और मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया, लेकिन जब मैं इस टेबल के ऊपर कुरान रख के पढ़ती हूँ या इस टेबल के ऊपर रख के मैं तालीम को प्रमोट करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि दैट इज द राइट थिंग, अब ये पैसे मेरे कबूल हो जाएंगे, अब ये मेरा खर्च जो है वो कबूल होगा, अब मैं इस टेबल के ऊपर जो अपनी एफर्ट्स लगा रही हूँ वो कबूल होगी, तो वो उसके ऊपर बकायदा वो एक्चुअली जो मैं अपनी बेटी को
जिस कुरान से पढ़ा रही हूँ वो बेसिकली पारा है, और पारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, 30वां पारा है। उसके अंदर ना तर्जमा लिखा हुआ है, तर्जमे के बाद वो अल नूर इंटरनेशनल का छपा हुआ है, और वो बहुत बड़ा है, मतलब ह्यूज बुक की तरह है। और उसके एंड में ना जो आयात है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं कि ऐसे क्यों है, दाएं हाथ वाले कौन हैं और बाएं हाथ वो है ना असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमा, तो वो उसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है कि जी ये ऐसे क्यों है। कल अब हम वो पढ़ रहे थे सूरतुल बलद, ठीक है, और अल्लाह ताला ने कसम खाई है शहरे मक्का की, और उसके बाद उसके अंदर अल्लाह ताला ने कौम आद कौम समूद फिर फिरौन की बात की है कि मीखों वाला, उसको मीखों वाला कहा गया है वो इस वजह से क्योंकि अच्छा मैं आई वाज जस्ट कंफ्यूज व्हाई फिरौन को मीखों वाला क्यों कहा गया। फिर कौम समूद जो थे वो बहुत ज्यादा जायंट्स थे, ठीक है, चट्टानों पे वो अपनी वो बना लेते थे, घर बना लेते थे खोद के, तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या, और उन्होंने सब कॉमन चीज क्या है इंसानों में, इन्होंने अल्लाह के मतलब नाफरमानी की थी, इन्होंने सरकशी कर दी, नबियों को झुटला दिया था। तो बेटा नबियों को झुटलाना जो है ना ये एक बहुत बड़े अजाब का बायस बन जाते हैं, हम इसको समझते नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जंगे उहद में सिर्फ मुसलमानों ने इतनी सी बात नहीं मानी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये जो पहाड़ी है ना इसको छोड़ना नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्ट किया था सहाबा कराम को ये पहाड़ी नहीं छोड़ना जब तक के मैं ना हूं। जब सहाबा कराम को लगा कि हम जीत गए तो सहाबा कराम इस चक्कर में कि हमें वो माल मिलेगा, माल गनीमत मिलेगा, वो सारे घाटी छोड़ के आए। तो उस वक्त हजरत ये जिनको हजरत जिनको कहा जाता है ना कि वो अल्लाह की दरबार थे, हजरत उस वक्त वो कुफार के लश्कर में थे, उन्होंने फिर पलट के सैफुल्ला जिनका लगा तो उन्होंने फिर पलट के वार किया तो कितने मुसलमानों की जो है शहीद हो गए थे मुसलमान। तो उसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस को अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को कुछ भी नहीं समझते, हम अपनी अकल को सबसे ऊपर, उस वक्त सहाबा किराम ने अपनी अकल इस्तेमाल की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब तक मैं ना कोई नीचे नहीं उतरा, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जीती हुई जंग हम उस दिन हार जाएंगे जब हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से नहीं समझेंगे। जीती हुई जंग आप देखें ना, हमारे पास पैसा है, इतने बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड हम हार जाते हैं। रीजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो कल भी मैं यही पढ़ रही थी कि क्या है कि जब हम सरकशी करेंगे तो तबाही जो है वो हमारा मुकद्दर होगी, चाहे फिर हमारे पास दौलत के अंबार ही क्यों ना। चलिए जनाब आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।